मनोज कुमार आपका दोस्त आपका भाई फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई टर्म लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर लगातार हम कर्सर्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भाई ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि रेफ कर्सर्स क्या होते हैं। दोस्तों ये टॉपिक हम बहुत बाद में कवर करने वाले थे क्योंकि ये एडवांस मेरी PLC कॉल का पार्ट है, बट समहाउ हम अभी इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि किसी ने पूछ लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि रेफ कर्सर बेसिकली क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, किस किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, फंक्शन बना के कैसे यूज़ कर सकते हैं, सीधे अनोनमस ब्लॉक में कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर के साथ कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ों की बात इसी वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले रेफ कर्सर को समझने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज डाल लीजिए कि रेफ कर्सर जो है वो एक तरीके का डेटा टाइप है, मतलब एक टाइप क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग दैट रेफ कर्सर और फिर उस टाइप को एसोसिएट कर देंगे अपने किसी वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म वाली चीजें हम देखेंगे अपनी लैब में। अभी के लिए सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिट कर्सर्स को हम जानते हैं, नेम्ड कर्सर्स को हम जानते हैं, फॉर लूप वाले कर्सर्स को हम जानते हैं, पैरामीटराइज कर्सर्स को हम जानते हैं, फिर ये रेफ कर्सर है क्या, क्यों सीन में आया। दोस्तों सबसे पहले बोर्ड पे फोकस करते हैं। बोर्ड पे मैंने सबसे पहली टर्म लिखी हुई है रिक्वायरमेंट। तो मुझे सबसे पहले यही जानना है कि भाई रेफ कर्सर की एक्चुअल नेसेसिटी क्या है, वो रिक्वायरमेंट क्या आती है जिसके केस में मुझे अपने दिमाग का यूज ये करना है कि भाई अब मुझे रेफ कर्सर बनाना। वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट को देखते ही मुझे डिसीजन ले लेना है कि अब मुझे रेफ कर्सर बनाना है, अब मुझे नेम्ड कर्सर या फॉर लूप या एक्सप्लिसिट या पैरामीटराइज कर्सर नहीं बनाना है बल्कि रेफ कर्सर बनाना है। दोस्तों सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट की बात हम कर रहे हैं उसमें समझते हैं कि मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि आपको एक एम्प्लॉय की सीधे सीधे नेम की इंफॉर्मेशन कहीं प्रिंट करानी है तो आप क्या करोगे? सिंपल एक छोटा सा कर्सर लिखोगे। कर्सर वो मे बी फॉर लूप वाला भी हो सकता है और ओपन फैच और क्लोज वाले सिंटेक्स का भी हो सकता है, बट क्या होगा, आप एक कर्सर डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसके साथ एसोसिएट करेंगे क्वेरी और क्वेरी के बेस पे अपना काम करेंगे। क्लियर, सिंपल, यही होना चाहिए। बट अगर मैं बोल दूं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बेसिस पे अलग अलग तरीके से अपने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है कि पहले 10 वाले डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, फिर 20 वाले, फिर 30 वाले, तो क्या करेंगे आप? बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट 3-4 कर्सर लिख देंगे जिसमें आपकी वेयर कंडीशन डिफर हो जाएगी, कि एक कंडीशन हो जाएगी 10 की, एक 20 की, एक 30 की। फर्दर 3 कर्सर्स को ओपन करेंगे, 3 कर्सर्स को क्लोज करेंगे, 3 कर्सर्स के हिसाब से अपना काम कर लेंगे। क्लियर, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि आपको मल्टीपल कर्सर्स ना लिखना पड़े, मैं यूज कर लेता हूं पैरामीटराइज कर्सर, कि भाई एक पैरामीटर डालूं, उस पैरामीटर के हिसाब से वेयर कंडीशन में, ये पॉइंट है दोस्तों नोट करने वाला, कि वेयर कंडीशन में आपने क्वेरी को चेंज कर दिया, आपने वेयर कंडीशन पैरामीटराइज कर्सर के थ्रू मॉडिफाई कर ली, लेकिन क्वेरी स्टिल सेम, इंफॉर्मेशन आप अभी भी एम्प्लॉय टेबल का ही निकाल रहे हो। तो इतनी चीजों के लिए तो दोस्तों ये सिनेरियो मेरे परफेक्ट बैठते हैं, बट अभी तक रेफ कर्सर समझ में नहीं आया। दोस्तों रेफ कर्सर मेरा तब सीन में आता है अगर मैं बोल दूं कि आपको दो डिफरेंट टेबल की क्वेरीज लिखनी है, दो डिफरेंट क्वेरीज लिखनी है, बिल्कुल डिफरेंट, एम्प्लॉयज की, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल भी ले लेते हैं, आपको एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाना है, आपको एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन दिखाना है, दो सेपरेट टेबल्स हैं, दोनों टेबल्स में अपने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एक टेबल के अंदर 10-12 कॉलम है, एक टेबल के अंदर 3-4 कॉलम, अपने सेपरेट कॉलम्स हैं। अब मैं बोलूं कि इन दोनों को मर्ज करके एक साथ आप लिख दो, तो दोस्तों आप नहीं लिख पाओगे। क्यों? दोनों क्वेरीज के डेटा टाइप्स अलग है, दोनों क्वेरीज के नंबर ऑफ कॉलम्स अलग है, दोनों क्वेरीज को किसी भी तरीके से आप मर्ज नहीं कर सकते, ना यूनियन ऑल के थ्रू, किसी भी ना वेयर कंडीशन, क्योंकि क्वेरीज ही मेरी अलग है, दोनों टेबल्स ही मेरी अलग है। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पर आपकी कंडीशनली किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रिक्वायरमेंट की वजह से
आपकी क्वेरी डायनामिकली चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पैरामीटर बाहर से पास किया एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन वाला कर्सर चल जाए। आपने पास करा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन वाला कर्सर चल जाए। बट कर्सर एक ही हो, कर्सर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने दो कर्सर लिखे हैं और कुछ अपना लॉजिकल कंडीशन लगा करके और एक कर्सर को डिसेबल करा लिया या यूज में नहीं रहे। नहीं, कर्सर एक ही हो और क्वेरीज आपकी डिफरेंट हो। तो रेफ कर्सर का बेसिकली एडवांटेज यही है, रिक्वायरमेंट भी यही है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज के लिए बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट क्वेरीज के लिए अगर आपको एक ही कर्सर यूज करना पड़े तो ऐसे में रेफ कर्सर जो है वो सीन में आता है। तो ये हुई उसकी रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज के लिए दो लाइन की टर्म लिखिए, वी कैन यूज सेम और सिंगल कर्सर टू ओपन कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स ऑफ क्वेरीज। मतलब कोई दो टेबल है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, उनके ऊपर लिखी गई क्वेरीज के लिए एक ही कर्सर को मैं यूज कर लूं, ये इसके सबसे बड़ा एडवांटेज है। बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, कि इसका सिंटैक्स क्या है। दोस्तों एक बार बोर्ड पे लेके चलता हूं। यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है यूजर और फिर लिखा हुआ है सिस्टम। इसकी बात करते हैं एक मिनट के बाद। यहां पर लिखा हुआ है रेफ कर्सर का कुछ कोड, तो सबसे पहले समझते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर के अंदर दोस्तों सबसे पहले बात करने वाला हूं इसी वाले यूजर की, कि यूजर डिफाइंड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं रेफ कर्सर का। दोस्तों सबसे पहले मैंने ऊपर भी बताया था कि रेफ कर्सर इज माय डेटा टाइप, एक तरीके का डेटा टाइप होता है रेफ कर्सर। तो रेफ कर्सर जो डेटा टाइप है उस टाइप को यूज करके मैं बनाऊंगा एक अपना कस्टम टाइप, जिसका नाम देता हूं मैं ये नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो रेफ कर्सर जो मेरा डेटा टाइप है उसको यूज करके दोस्तों मैंने एक यहाँ पे टाइप जो है वो क्रिएट कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। अब बनाऊंगा अपना एक कर्सर। तो कर्सर जिस भी नाम से मैं बनाने वाला हूँ उसको यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो रेफ कर्सर मैं बनाने वाला हूँ, जो रेफ कर्सर मैं ओपन करूंगा या फेच करूंगा या क्लोज करूंगा, वो किस नाम से करने वाला हूँ? वो करने वाला हूँ दोस्तों C1 नाम से। तो दोस्तों बट ऑब्वियस है कि C1 नाम से अगर करने वाला हूँ तो C1 को पहले तो अपने रेफ कर्सर वाला वो टाइप जो है वो यहाँ पर उसका एक तरीके से डिक्लेरेशन वही होना चाहिए जो मैंने रेफ कर्सर को यूज करके यहाँ पे बनाया है। तो ये तो मेरा C1 जो है वो रेफ कर्सर का डिक्लेरेशन हो गया। ये हुआ यूजर डिफाइंड डिक्लेरेशन रेफ कर्सर का। अगर मैं बात करूँ सिस्टम डिफाइन, तो ओरेकल ने पहले से हमारे लिए ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये वाली लाइन पहले से बना के रखी हुई है हमारे लिए, कि अगर आपको रेफ कर्सर बना के यूज करना है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिंपल ये वाला टाइप अपने C1 को असाइन कर देना है। तो जब आप C1 को सीधे सिस रेफ कर्सर असाइन कर देंगे तो आपको ये टाइप बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपको सिस्टम डिफाइन टाइप यूज करना है या अपना खुद का डिफाइन करके और तब यूज करना है। तो ये तो हुआ मेरे रेफ कर्सर को डिक्लेयर करने का, डिक्लेरेशन करने का एक तरीका। अब आती है इसको यूज करने। अब रेफ कर्सर, जैसा कि हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस के अंदर यही देखा है कि जब भी मैं कर्सर बनाता हूं तो साथ में उसकी क्वेरी जरूर देता हूं। बट अभी मैंने रेफ कर्सर की बात तो कर दी बट क्वेरी तो कहीं सीन में आई नहीं, तो क्वेरी गई कहां? दोस्तों इसमें डायनेमिकली जो सीन है क्वेरी का वो इसीलिए है क्योंकि यहां पर क्वेरी नहीं अटैच किया थी डिक्लेयर करते हुए, बल्कि जब अपने कर्सर को मैं ओपन करता हूं बिगिन सेक्शन के अंदर, तब वहां पर ओपन वाले कीवर्ड के साथ अटैच करता हूं अपनी क्वेरी। यहां पे देखते हैं बिगिन सेक्शन आ गया, ओपन कर रहा हूं अपना वही कर्सर जिसको मैं रेफ कर्सर का टाइप बना के आया हूं, वो कर्सर मैंने सिंपली ओपन किया और फॉर लगा के अब यहां पे मैं अपनी क्वेरी जो है वो बताऊंगा। अभी यहां पे मैंने सिंपल एक एम्प्लॉय टेबल की क्वेरी अटैच की है। एम्प्लॉय टेबल की क्वेरी अटैच करके मैं सिंपली यूज कर सकता हूं, ओपन करूंगा, फेच करूंगा, क्लोज करूंगा, जो एक्टिविटी है वो करूंगा। उसके बावजूद भी सेम कर्सर को, दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, सेम कर्सर को जो C1 है उसी को दोबारा भी यूज कर सकता हूं फॉर लगा के फॉर डिफरेंट क्वेरी।
मतलब यहां पर मुझे क्वेरी चेंज कर सकता हूं, बट कर्सर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ रेफ कर्सर का डिस्कशन। एक बार लैब में चलते हैं, लैब में चल के रेफ कर्सर के सिंटेक्स को, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से जो रेफ कर्सर होता है वो मेरा बनता है, कैसे यूज में आता है।